चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वहां से स्टार्ट करूंगा जहां पे मैंने प्रीवियसली फिनिश किया था। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बताया था, और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव किया था। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जिसे मैंने एमपीटी शॉर्ट में बोला था, और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया था, आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करूंगा। देखिए, दो छोटे छोटे से एक रिजल्ट आते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, है ना। टू स्मॉल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्मॉल प्रॉपर्टीज बड़ी काम की है। अगर प्रीवियसली जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था आपने अगर ईमानदारी से किया होगा तो ये दो तो आप कवर कर चुके होंगे, क्योंकि नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का ही पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेपेजियम से रिलेटेड दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव करते थे। वो कुछ इस तरीके से कि मान लो कि अगर मेरे पास ये ट्रेपेजियम है ना, ये मेरे पास ट्रेपेजियम है, फर्स्ट ट्रेपेजियम ये है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैं एक और ट्रेपेजियम बना देता हूँ, ये है आपका सेकंड वाले का ट्रेपेजियम। अब दोनों ट्रेपेजियम से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है कि पहली तो है कि अगर ट्रेपेजियम के दोनों केस में मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ये दोनों अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट रेडी होगा, इस लाइन सेगमेंट, पहली बात तो अगर दोनों का मिड पॉइंट है तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, थर्ड के पैरेलल होगा, दोनों के पैरेलल होगा। ये बात ध्यान रखना, हल्का सा टेढ़ा लग रहा होगा, बाकी उसकी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाँ ये अभी सही तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो ये इसके पैरेलल ही है, अगर ये तीनों पैरेलल है तो अगर ऊपर वाले की लेंथ मान लो बी है और नीचे वाले की लेंथ मान लो ए है, तो ये मिड में जो बनेगा इसकी लेंथ होगी हाफ ऑफ ए प्लस बी। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए इसे प्रूफ कीजिए, ये आपका होमवर्क है, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस केस में जो आपके पास बनेगा वो इस बार दो डायगनल्स लेने पड़ेंगे, और दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट, देखिए ये फर्स्ट डायगनल का मिड पॉइंट ये रहा, सेकंड का मिड पॉइंट ये रहा, है ना, दोनों डायगनल्स के मैंने मिड पॉइंट लिए, और अगर मैं उन दोनों को ज्वाइन करूं डायगनल्स के मिड पॉइंट को तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए अगेन, तो देखिए दो यहाँ पे आपके पास माफ कीजिएगा सॉरी दो पैरेलल लाइंस है, तो थर्ड लाइन उनके पैरेलल होगी। बड़ी वाली की लेंथ अगर अगेन ए है, इसकी बी है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये दो खास प्रॉपर्टी है भाई आपके पास कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि मैं बोलता हूँ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि देखो आपके ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, और इसके अलावा आपके पास दो नॉन पैरेलल साइड बचती है, तो ये क्या हो गया कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स इस पैरेलल टू थर्ड साइड, वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया, और उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए प्लस बी, दोनों का एवरेज होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के डायगनल्स की मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली क्या होती है, हाफ ऑफ ए माइनस बी, है ना, एक बड़ी वाली साइड है बी छोटी वाली। ये बहुत इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं, आपको इसमें कोशिश करनी है। मैं आपको हिंट दे दूं कि इसमें आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि एमपीटी और रिवर्स ऑफ एमपीटी का यूज करेंगे। अगर आपको चाहो तो इस वाले में तो आप इसको ज्वाइन करके आगे बढ़िएगा, अब अपना दिमाग लगाओ और एमपीटी लगाओ, और इस केस में भी आप चाहो तो इनको ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके दोनों के मैंने कंस्ट्रक्शन भी बता दिए। तो ये जो है दोनों बड़ी खास प्रॉपर्टीज है यार, इनका हम क्वेश्चन के अंदर जो है जबरदस्त यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको भी स्टार्टिंग में इन दोनों को बता दिया। एनसीईआरटी का पोर्शन है, आपको फिनिश करना है, आइए तो पॉज करके आप नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको नई क्वेश्चंस की तरफ लेकर के जाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, और मिड पॉइंट थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसपे सेपरेट क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त बनता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार करवाया, या फिर समटाइम्स क्या होता है कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सिमिलैरिटी लग रही है, सर्कल का क्वेश्चन है, बट बीच में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हो गया, ये बहुत काम की थ्योरम है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन इज सेइंग कि इन द ट्रेपेजियम, इन द ट्रेपेजियम, इन द ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन द ट्रेपेजियम एबीसीडी एडी इज पैरेलल टू बीसी, इन द ट्रेपेजियम एबीसीडी एडी इज पैरेलल टू बीसी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, आगे आपको बोला है एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ई एम एफ एन दीज आर द फोर पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको मिड पॉइंट्स की बात करिए, दीज फोर आर द मिड पॉइंट्स, ये किसके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी
कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, आपकी चारों साइड्स के चार मिड पॉइंट आपको गिवन है, रेस्पेक्टिवली भी बोला है, तो चारों ऑर्डर लिए, ठीक है। सच दैट, कंडीशन आपको आगे क्या दे रखी है, सच दैट बी सी का लेंथ आपको दे रखा है 7 units, ठीक है, एम एन का लेंथ आपको दे रखा है 3, और आपको फाइनली इसने बोला है कि फाइंड ई एफ, आपको जो है ई एफ फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं यहाँ से बेटा। देखो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ हमेशा की तरह नीट एंड क्लीन, अच्छा अच्छा जैसा इसने बोला है ट्रेपेजियम, ये मैंने आपके लिए ट्रेपेजियम जैसा एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम अच्छा होगा, ऑब्जर्व आसानी से होगा, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अपन यहाँ से नीचे नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, और ये रफ करूंगा तो पूरा ही रफ हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये आपका हुआ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये मैंने आपका ट्रेपेजियम बनाया, इसका नाम अभी दे देंगे एबीसीडी, एंगल भी 30 है तो फिर ऑफ कोर्स मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा एंगल है। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसमें बोला है कि एडी इज पैरेलल टू बीसी, जैसा आपको दिख रहा है, एंगल बी आपको 30 डिग्री गिवन है, एंगल सी आपको 60 गिवन है, यहाँ पे ये सच दैट बीसी, जो बीसी का लेंथ है वो आपको 7 गिवन है, 7 लेंथ कंप्लीट बीसी का आपको 7 लेंथ गिवन है। एम एन, अच्छा एम एन अब अपन को पहले देखना पड़ेगा, इसने क्या बोला ई एफ आपका एफ है और ये वाला मिड पॉइंट आपका क्या है, ये वाला मिड पॉइंट आपका एन है, तो ये ई एम एफ एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। देखो बीसी की लेंथ आपको 7 गिवन है, नेक्स्ट आपको लेंथ गिवन है ई एफ की, तो ई एफ के लिए मैं ई एफ को ज्वाइन कर देता हूँ, इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, सॉरी ई एफ तो आपको फाइंड करना है, एम एन गिवन है आपको, तो एम एन के लिए अब मैं एम एन को ज्वाइन कर देता हूँ, एम एन की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको एम एन की लेंथ में यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, किसकी लेंथ आपको 3 गिवन है और ई एफ आपको फाइंड करना है। अब थॉट प्रोसेस समझो, आपको ई और एफ मिड पॉइंट दे रखा है, तो अभी अभी जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ई एफ इज एक्चुअली क्या होगा, हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, दोनों की दोनों पैरेलल साइड्स का क्या होगा, बेसिकली उसका एवरेज होगा, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + AD, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 7 + AD, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 7 + AD। अब आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि यार एडी को हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना, एडी को हम कैसे निकालें। तो अब यहाँ से मेन पॉइंट आता है कि एडी कैसे निकालें। तो अब देखो जो भी कुछ गिवन था वो हमने मार्क कर दिया, जो लेंथ गिवन थी हमने मार्क कर दी, एक चीज अभी तक यूज नहीं आई, वो कौन सी नहीं आई, वो नहीं आई आपके एम एन, नहीं आई एम एन अभी तक आपके यूज में नहीं आई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझे कि यार अब एम एन का हम क्या करें, इसको हम कैसे निकालें, है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से या तो आप कोई कंस्ट्रक्शन करें या फिर कोई ट्रिक लगाएं, क्या कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऐसा जो आपको विजुअलाइज हो, अभी तक मैंने जो यूज नहीं किया वो मैं आपको बता देता हूँ रफली। एक तो मैंने एम एन का लेंथ यूज नहीं किया, एक एंगल बी का यूज नहीं किया, एक एंगल सी का यूज नहीं किया। यार एंगल बी 30 है, एंगल सी 60 है, सम करो तो 90 होता है, 90 तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर सकता है, तो क्या करें ऐसा जिससे मैं ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में ले आऊं। सोचो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 60 दोनों आ गए, तो दोनों का सम 90 होगा। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, एक सबसे इजी है कि आप क्या करो, यहाँ से इसको ऊपर बढ़ा दो और यहाँ से इसको ऊपर बढ़ा दो और ये जहाँ मीट करेंगे दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, दिख रहा होगा आपको ये, है ना, तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल ऐसा करते हुए। तो ये ट्रायंगल बी सी और ऊपर वाले पॉइंट को पी लिख सकते हैं, और आपका पी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, मैं रफ कर देता हूँ, ये आपकी पहली टेक्निक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। मैं सेकंड टेक्निक के थ्रू बताता हूँ, क्या पता फर्स्ट टेक्निक से भी आंसर आ जाए, मैंने ट्राई नहीं किया, बट सेकंड टेक्निक जो मैंने लगाई उससे बहुत मजेदार आंसर आया, बहुत इजीली आया, तो मैं आपको ये बताऊंगा। मैं यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो जब भी ट्रेपेजियम आता है ना बेटा, मैं एक बार फिर रफली एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ, सॉरी मैं एक रफली एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ। अभी अभी जो मैंने आपको दो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी तो ये मैंने ऊपर ऊपर अभी यूज भी किया है, याद करो ऐसे केसेस में मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको लेट अस सपोज दोनों डायगनल आपने ज्वाइन कर लिए और दोनों डायगनल के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो, इसकी लेंथ चाहिए। आप ट्रेपेजियम में करते क्या हो, आप ट्रेपेजियम में हमेशा हमेशा आप क्या करते हो, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हो कि ये किसी ना किसी नॉन पैरेलल साइड्स के पैरेलल हो जाए। मान लो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मान लो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मुझे आपको ये एंगल बराबर करना है। आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, जैसे यहाँ पर है नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, तो आपको जो बेस एंगल है वो इक्वल करने होते हैं, जो यहाँ पे थीटा थीटा आपको दिख रहा है इसे इक्वल करना होता है। कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे
जो एक नॉन पैरेलल साइड के पैरेलल है, तो यानी कि वो इसके पैरेलल है। अब सोचो जरा, अगर ये वाली इसके पैरेलल हो जाए बाय कंस्ट्रक्शन, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, सोचो जरा कि यार ये वाली जो है बाय कंस्ट्रक्शन इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है, और ये वाली तो पैरेलल है ही सही, तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा, कितना ईजी हो गया। अब अगर ये भी थीटा हो जाएगा तो ये वाली साइड गिवन थी इसके इक्वल, बाय कंस्ट्रक्शन ये वाली इसके इक्वल आ गई, तो तीनों इक्वल आ गई, तीनों इक्वल आ गई, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं हो गया, ये जो मैंने शेड किया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ करवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये आपको ये समझाना कि ट्रेपीजियम के केस में मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये आपको फिगर वाइज भी थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होता है ना बेटा, वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वो होता है कि हम ट्रेपीजियम के केस में पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही कंस्ट्रक्शन बेसिक में यहाँ यूज करूंगा, पर बहुत जबरदस्त तरीके से वो यूज होगा, कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं, मैं यहाँ पे एन से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू ए बी, ये आप समझो पहले, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी, है ना, और इन अ सिमिलर वे मैं इस तरफ भी वो करता हूँ, यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू डी एफ, तो ये वाली लाइन, सॉरी डी एफ या डी सी कुछ भी बोल दो, इसके पैरेलल है। अब आप फोकस करें, इसको थोड़ी देर के लिए मैं नाम पी दे देता हूँ, इसको मैं क्यू दे देता हूँ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है कि मैंने क्या किया बेटा, ड्रॉ कर दिया एन पी विच इज पैरेलल टू ए बी कॉमा एन क्यू विच इज पैरेलल टू डी सी। अब आप फील करें, अगर ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30 का, और ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 का, और उस हिसाब से इन ट्राइंगल पी क्यू एन आपका जो एंगल है, एंगल कौन सा पी एन क्यू, वो 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दो का सम 90, तो तीसरा वाला भी 90, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये 90 हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो 80% तो फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा था कि यार अगर हमें एक 90 एंगल मिलेगा तो हम शायद कुछ कर पाए, और हम काफी कुछ कर सकते हैं। देखो ये वाला आपका एन है, ये वाला आपका पी है, ये वाला आपका क्यू है, जैसा गिवन था ये 30 है और ये कितना है 60 है। अब आप फील कीजिएगा कि क्या साथ साथ ए एन और बी पी इक्वल है क्या, सिंपल सी बात है, ए एन और बी पी इक्वल क्यों है, चलो मैं पहले ये आपको बताता हूँ, ए एन और बी पी क्यों है, आप एक काम करो, आप ए एन और पी बी इसके बारे में मुझे बताओ ये क्या है, और सिमिलरली एन डी सी क्यू, अगर आप ए एन बी पी की बात करते हो ना, तो ये वाली तो ऑलरेडी इसके पैरेलल गिवन थी, है ना, और मतलब ए एन इज पैरेलल टू बी पी गिवन था, और ए बी इज पैरेलल टू एन पी मैंने फाइंड आउट किया है, इसका मतलब ये वाला फिगर एक पैरेललोग्राम है, और सिमिलरली जो एन डी सी क्यू है ये भी एक पैरेललोग्राम है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए एन इज इक्वल टू बी पी होगा, और साथ ही साथ एन डी इज इक्वल टू क्यू सी होगा, तो लेट अस अज्यूम कि इसकी वैल्यू है बी बाई टू, लेट अस अज्यूम इसकी वैल्यू भी बी बाई टू, कम्प्लीट बी मान लिया ना मैंने, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक बी पी ये भी कितना हो गया बी बाई टू, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो गया बी बाई टू, तो जो रिमेनिंग आई बीच की वैल्यू, रिमेनिंग आई बीच की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी अगर आ जाए तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप फील कीजिएगा कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी था, गौर से समझना, अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ bc था तो bm इज इक्वल्स टू mc होना चाहिए, सही बात है, बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, अगर दोनों तरफ से मैं कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, इधर से मैं bp सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं qc सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या bp और qc सेम सेम है, ऑफ कोर्स bp और qc सेम सेम है, क्योंकि bp qc दोनों की वैल्यू कितनी है b by 2 और b by 2, तो अगर मैं सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमेनिंग क्वांटिटी भी सेम हो जाएगी, यानी कि pm इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mq हो जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, कि आपका जो PM है that is equals to MQ हो गया, अगर PM और MQ equal हो गए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब M is the midpoint of this, M इसका क्या हो गया PQ का कौन सा पॉइंट हो गया midpoint हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो मैं काफी टाइम पहले आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कि अगर M आपका मिडपॉइंट है तो ये और ये तीनों इक्वल होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी प्रॉपर्टी, ये छोटी प्रॉपर्टी में से, तो आपको पता है MN का लेंथ 3 है तो PM का भी 3 हो जाएगा और MQ का भी 3 हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको जरूर समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो आपका ये PM 3 हो गया, आपका MQ भी 3 हो गया, यानी कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई आपकी 6 हो गई, और अगर कंप्लीट लेंथ आपकी 6 हो गई तो 7 इज इक्वल्स टू बी बाई टू प्लस 6 प्लस बी बाई टू, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और बी क्या था आपका AD, आइए यहाँ क्वेश्चन में पुट करते हैं, हाफ ऑफ 7 + 1 यानी कि 8, और आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ये आपका आंसर है। तो आप देखिए बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है प्री आर एम ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से,
थ्री मार्क्स के लिए तो बिल्कुल डिजर्व करता ही है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस लेवल के क्वेश्चन, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि एक या दो क्वेश्चन इस लेवल के 5 मार्क्स में भी आते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन छोटा भी हो पर टफ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आपके पास तो फैसिलिटी है वीडियो को पॉज करके नोट करने की। मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि देखिए सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पॉज कीजिए इस मोमेंट पे, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ओलंपियाड वही बच्चा क्लियर करता है और उसको बेनिफिट भी मिलता है इस चीज का, जो बच्चा प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ता। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपको डेवलप करनी है तो आप लगातार क्वेश्चन लगाइए, लगातार क्वेश्चन लगाइए। ये मत सोचिए कि ये इजी है या टफ है। इजी लगाएंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, टफ लगाएंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार क्वेश्चन लगाइए। उसका आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बेनिफिट क्या होता है इस क्वेश्चन से। देखिएगा जरा कि इन द ट्राइंगल ए बी सी, इन द ट्राइंगल ए बी सी, बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर, बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर, बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन ऑन द साइड बी सी, ऑन द साइड बी सी, ए डी इज द मीडियन ऑन द साइड बी सी। आगे आपको बोला है एंड एंड ए डी इंटरसेक्ट, एंड ए डी इंटरसेक्ट बी ई एट ओ, एंड ए डी इंटरसेक्ट बी ई एट ओ, बी ई एट ओ परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। आगे आपको और भी कुछ गिवन है, गिवन दैट बी ई इज इक्वल्स टू ए डी, दैट इज इक्वल्स टू 4, और यू जस्ट नीड टू फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये आपका काम है भाई, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले इसे सॉल्व करवाऊंगा फिर इसकी खासियत आपको बताऊंगा। आओ उसको सॉल्व करते हैं। इसने बोला है कि इन द ट्रायंगल एबीसी, इन द ट्रायंगल एबीसी बी इज द एंगल बाइसेक्टर। जैसा आप जानते हैं मैं सबसे पहले बिलीव करता हूँ डायग्राम को बनाने में, तो आइए एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हुआ कुछ रफ डायग्राम, इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए ये हुआ ट्रायंगल ए, और ये सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। नाउ बी इज द एंगल बाइसेक्टर, तो बी ई अगर एंगल बाइसेक्टर है बेटा तो यहाँ से ये मैंने ज्वाइन किया, अब एंगल बाइसेक्टर है तो कुछ ऐसा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ई, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल कितना हो गया बी बाई टू, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका बी बाई टू हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ठीक है सब। आगे बोला है ए डी इज द मीडियन ऑन द साइड बी सी। आइए ए डी साइड बी सी पे क्या है, मीडियन है, मीडियन तो मिड पॉइंट पे मीट करता है, ये यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये ए डी हो गया, और ये जो है ये और ये इक्वल हो गए दोनों, है ना, इतना ठीक है। आगे आपको बोलता है ए डी इंटरसेक्ट बी एट ओ परपेंडिकुलरली, ये यहाँ पे ओ पे मिलता है बट परपेंडिकुलर मिलता है। अब लग तो नहीं रहा होगा परपेंडिकुलर, पर आपको लेना पड़ेगा कि यार ये 90 है तो ऑफकोर्स ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 डिग्री पे सर है। आपको लेंथ गिवन है बी ई और ए डी की 4, 4, तो ये एक तो आपको बी ई की लेंथ गिवन है, एक आपको ए डी की लेंथ गिवन है, और आपको इन्हीं का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले देखो एक एंगल बाइसेक्टर गिवन है और एक मीडियन गिवन है, तो ए के अपोजिट अगर साइड ए होती है तो आपको तो पता ही है कि मैं इसको क्या कंसिडर करता हूँ, ए बाई टू कंसिडर करता हूँ, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, ये हो गया ए बाई टू। इन अ सिमिलर वे ये भी कितना हो गया, ए बाई टू हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग फोकस कीजिए इन ट्राइंगल ए बी और डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में। आप मुझे बताइए ए बी डी में जो मैं बात करता हूँ बी ओ की, बी ओ क्या है, बी ओ एक एंगल बाइसेक्टर है, जो क्वेश्चन ने गिवन दिया है एंगल बाइसेक्टर, सही बात है, बी ओ एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन साथ साथ बी ओ परपेंडिकुलर भी है अपोजिट साइड ए डी पर, बी ओ परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब एक ही लाइन सेगमेंट वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की तरह भी काम कर रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज आइसोसेलेस। मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, अब आपको फील करना आना चाहिए कि आइसोसेलेस होगा और ए बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के लेंथ इक्वल हो जाएगा, वरना मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल डी बी ओ कॉन्ग्रुएंट, चेक कर लो, पर अब बच्चों वाले मेथड से नहीं जाएंगे। अब यार फील करो कि बी ओ एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, दोनों सेम हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ए आ गया, तो रफ डायग्राम है इसीलिए ए बड़ा आ रहा है, ए बाई टू छोटा आ रहा है, बाकी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आगे क्या होगा। अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों, सॉरी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर दोनों की तरह वर्क करता है, तो फिर तो ये मीडियन की तरह भी वर्क करेगा, और अगर ये मीडियन की तरह वर्क करेगा तो ए और ओडी इक्वल हो जाएंगे। ये फील होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों छोटे छोटे, या दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो ये ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलियस है। अगर ये आइसोसेलियस है तो बी ओ जो है परपेंडिकुलर मीडियन सभी की तरह काम करेगा, दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ ए डी का 4 था तो इनका लेंथ हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। सही बात है भाई, ये तो हो गया 2। अब क्या करें, अच्छा यही चीज अगर मैं देखूं यही चीज तो ए बी ई में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ए बी ई में ए डी मीडियन था, ए ओ मीडियन नहीं है। फील करना मीडियन कौन था, ए डी था, वो ए ओ नहीं है। चलो अब क्या करें, भटक गए। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी बच्चे कर सकते हैं ये जो मैंने अब तक किया। अब अटक जाएंगे काफी सारे बच्चे। क्या करें कंस्ट्रक्शन, वही चीज जो आपको सीखनी है। क्या है भाई कंस्ट्रक्शन, देखिए आपको डी मिड पॉइंट गिवन है, इसका यूज अभी तक नहीं किया, तो यूज करो डी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। ये कंस्ट्रक्शन मैं कई बार कई जगह यूज करूंगा कि एक लाइन, चलो मैं आपको लाइन ही बोल देता हूँ, ये लाइन आप मेरे मुंह से नई नई करते हो ज्योमेट्री के अंदर 15 बार सुन लोगे। किसी भी सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन। अब सीवीएन क्या होता है, अभी तक मैंने सीवीएन नहीं बताई, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, चलो कोई बात नहीं। सीवीएन क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट, ये एक सीवीएन। ये क्या है, एक सीवीएन। अब हो सकता है ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, मीडियन हो सकता है, कुछ भी नहीं हो, पर सीवीएन जरूर है। तो ये तो हो गया सीवीएन। तो किसी भी सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, लिख लो टॉप पे, लिख लो। जब नोट्स बनाते हो ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना। और ऐसा नहीं कि तुम इन वीडियोस को टेलीविजन की तरह देख रहे हो कि जैसे शक्तिमान आ रहा है ना, अपन बैठ गए इसको देखने के लिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर नोट्स बनाना, उसका रिविजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। तो किसी सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज डीएफ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन था कि डीएफ इज पैरेलल टू बीई। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, अब आप देखिए कि इन ट्राइंगल, चलो मैं ट्राइंगल बना दूं, इन ट्राइंगल एडीएफ, इन ट्राइंगल एडीएफ हम लगाते हैं बीपीटी, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। तो अगर मैं बीपीटी लगाऊंगा तो यहाँ देखिए, इसको मैं कैसे बताऊं, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए कि एओ अपॉन ओडी, एओ अपॉन ओडी दैट इज इक्वल्स टू एई अपॉन डीएफ, एई अपॉन डीएफ, इतना तो ठीक है। एओ अपॉन ओडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईएफ, अब ठीक है, एई अपॉन ईएफ, एओ अपॉन ओडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईएफ। ए और ओडी तो सेम सेम है, अगर ए और ओडी सेम सेम है तो ये तो 1:1 हो गया। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम ही तो है यार, कि एडी का मिड पॉइंट कौन है, ओ है। आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं या एमपीटी लगाएं, बात एक ही है। अगर आप चाहो तो मैं एमपीटी लगा देता हूं, क्योंकि हम काफी देर से मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको हम एमपीटी से करते हैं। तो अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम से इस चीज को करूं, तो बाय एमपीटी या रिवर्स ऑफ एमपीटी बोलना चाहिए कि एक्चुअली जो है ए ई इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा। इन द सिमिलर वे इन ट्राइंगल, बेटा यहाँ देखना, बी ई सी, इन ट्राइंगल बी ई सी, अगर BEC की मैं बात करता हूँ, अगेन बाय MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम या फिर रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ से आपका EF जो है वो FC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि D भी तो मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो भी मिड पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। मजा आ गया आपको? चलिए, ये तीनों इक्वल हो गई। अब क्या करें, अभी भी अपन अटके हुए हैं, अभी भी अपन अटके हुए। अब आप एक बात सोचिए जरा, क्या सोच सकते हैं अपन, कि ये जो DF है, ये जो DF है, क्या बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF हाफ ऑफ BE हो जाएगी? ये तो सबको पता होगा, हाफ ऑफ BE हो जाएगी, यानी इसकी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, सही बात है ना। इन अ सिमिलर वे जो OE है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अभी अभी लगाया अपन ने, OE है, क्या वो हाफ ऑफ DF हो जाएगी? हाफ ऑफ DF हो जाएगी, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी लेंथ 1 हो गई, तो इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पे इसकी 2 थी और इसकी 2 थी। ये अपन ने काम कर दिया, AO और OD तो 2-2 आ गया, OE की लेंथ 1 आ गई। अब आप ये ट्रायंगल देख लो जो आपकी आंखों के सामने है। इस ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द लेंथ व्हिच इज रूट ऑफ 2² + 1² यानी कि √5। और अगर ये √5 हो गई तो आपकी कंप्लीट लेंथ AC कितनी हो जाएगी, 3√5। ये आपके पास पहली साइड आ गई।
उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, दिस इज 3√5। अगर ये 3√5 है तो आप फील कर लो बेटा क्या करोगे, बाकी के लेंथ कैसे निकालें। पाई देखो अगेन पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे ए के लिए, ए बराबर क्या होगा रूट ऑफ, दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस दिख रही है कि दिस इज 3² + 2² यानी कि कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 9 + 4 = 13। और ए आपका रूट 13 मतलब बी सी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई रूट 13 आ गई। और इसी तरीके से जो दूसरी साइड है ए बी उसकी भी लेंथ कितनी आ गई रूट 13 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो बहुत धीरे धीरे, मैं क्या बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इलेबरेट कर रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं कह सकता हूँ कि इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अरे यार एक गड़बड़ हो गई है, वेट वेट, स्टार्टिंग में हुई थी मैं भूल गया कि ये ए बाई टू है ना, तो यार ये भी ए बाई टू ही होगा, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये भी क्या होगा ए बाई टू होगा, मैंने इसको ए ले लिया था, ये ए बाई टू होगा, तो ये ए बाई टू है, तो ये ए बाई टू होगा, ए नहीं होगा, है ना, ये करेक्ट कर लेना सब। तो अगर ये ए बाई टू होगा तो उस अकॉर्डिंग जो आपका ए बी है वो तो रूट 13 होगा, लेकिन जो बी सी है वो तो 2 × √13 होगा, ठीक है, इतना सा है। तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये तो बहुत मैं मतलब धीरे 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 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको यूएसपी बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 साल से क्लास में करवा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो प्री आरएमओ 2019 में आया है, केवल और केवल ये जो एक वैल्यू है ना ये चेंज हुई थी, यहाँ पे 4 की जगह पे दूसरा डिजिट था, बाकी सब वही है एज इट इज। और ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स की कैटेगरी में। अब आप देख सकते हो कि ये अकेला क्वेश्चन है जो कम से भी कम 5 या 6 स्टेट्स के बच्चों को पास करा सकता है। 5 मार्क्स की इम्पोर्टेंस तो वही बच्चा समझ सकता है जिसने एक बार प्री आरएमओ का पेपर दिया हो, उसे पता है यार 5 मार्क्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि राजस्थान रीजन में भी आप मान लीजिए कि 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 5 मार्क्स नहीं आते। ये क्वेश्चन अगर आप तो देखिए क्लास वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियोज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप बहुत ईमानदारी से पढ़ के जाए। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सबसे आज की क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या कहता है क्वेश्चन, चेंज कर लेते हैं कलर। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे बेटा, क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन अ गिवन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इतना टफ तो नहीं आता है लेकिन मैं करवाता हूँ क्योंकि आरएमओ को भी कवर करता हूँ मैं अपने साथ साथ, केवल और केवल प्री आरएमओ के लिए नहीं है ये वीडियो, ये सारे वीडियो आरएमओ के लिए भी है, क्योंकि प्री आरएमओ एग्जाम के बाद आरएमओ एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं होता। तो अगर आप शुरू से ही अपना जो है प्रैक्टिस उस लेवल पे करते हुए चलेंगे ना, जिस तरीके से कोई अच्छा बच्चा होता है तो अगर वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करता है तो उसे जेई मेंस की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से है कि अगर आप आरएमओ की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको प्री आरएमओ की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ही उसे सॉल्व कर, एक साथ ही दोनों की प्रिपरेशन करते हुए चलिए। क्वेश्चन कह रहा है ना, गिवन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ओ इज द इनर पॉइंट ऑफ, ओ इज द इनर पॉइंट ऑफ एबीसीडी सच दैट आपको बोला है एंगल AOB दैट इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों का वैल्यू कितना है 120 डिग्री है। आगे आपको बोला है AO इज इक्वल टू OB CO इज इक्वल टू OD, CO इज इक्वल टू OD, ठीक है। आगे आपको बोला है गिवन दैट KLM, ये 3 पॉइंट है, गिवन दैट KLM आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints of segments AB, BC, CD respectively, prove that आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल KLM इज इक्विलेटरल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टास्क है इसका डायग्राम बनाना। तो इसमें बोला है कि ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और ABCD अगर कॉन्वेक्स क्या होता है मैं शुरू में बता चुका हूँ, प्रीवियसली वीडियोस आप देखिए, स्टार्टिंग में ज्योमेट्री में कॉन्वेक्स का यूज आया था, मैंने आपको बताया था, ये ट्रेपेजियम फील मत करना, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बी है, ये सी है और ये डी है, सच दैट आपको बोला है O इज एन इनर पॉइंट, तो कहीं पे भी आप O कंसीडर कर लो, मान लो मैंने O यहाँ पे ले लिया, तो O इज एन इनर पॉइंट, ये AO ज्वाइन किया, ये BO ज्वाइन किया, ठीक है, इन अ सिमिलर वे ये CO ज्वाइन किया और ये DO ज्वाइन,
अच्छा ये सी और डी ज्वाइन कर दिए, ठीक है ये ओ है, तो ये वाला आपका एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 120 डिग्री। आगे बोला है ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ओके अगर आप थॉट समझ लो कि यार ए और बी ओ इक्वल है, मतलब ये कैसा आइसोसेलेस हो गया, तो वो एंगल 30-30 हो जाएंगे। इन अ सिमिलर वे सी ओ इज इक्वल टू डी ओ कि यार ये और ये इक्वल है। नाउ आगे आपको बोला है के एल एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट कौन है के है, ठीक है एल क्या है बी सी, बी सी का मिड पॉइंट कौन है एल है, और सी डी का मिड पॉइंट कौन है एम है। तो ये हो गया आपका कि यार आपको के एल एम को कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए ज्वाइन करते हैं। अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मैंने ज्वाइन किया के एल, सेकेंड मैंने ज्वाइन किया एम एल, और थर्ड मैंने ज्वाइन किया के एम। ये ओ से पास हो ये जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंट है कि मेरा डायग्राम ओ से पास हो रहा है, आप इसको ओ से कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए इतना हुआ, आगे आपको बोल रहा है बस इतना दे रखा है प्रूफ करना है कि एल एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक टफ क्वेश्चन है। अब क्या करें, अब देखो अगेन आपको इक्विलेटरल प्रूफ करना है, यूज करना पड़ेगा जो गिवन है। मैं ये यूज करूंगा कि ए ओ बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं ये यूज करूंगा सी ओ डी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं यूज करूंगा दो एंगल 120 120 दे रखे, लेकिन मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि एल एम क्या है, मिड पॉइंट है बेटा। और जब ये मिड पॉइंट है तो फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो आप देख सकते हो कि के एल इज पैरेलल टू ए सी, ये सब देख सकते हैं कि के एल क्या है ए सी के पैरेलल है, पर अभी तक ए सी मैंने ड्रॉ नहीं किया तो वो मेरे यूजफुल नहीं आया, ठीक है मैंने अभी तक ए सी ड्रॉ नहीं किया। ये तो ए ओ सी है ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना ये ए सी स्ट्रेट लाइन नहीं है, है ना ए ओ सी तिरछी लाइन है ये। चलो अब एक काम करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के लिए भी मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं। कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, वी शुड टेक सम पॉइंट, चलो कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ ओबी का मिड पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, और ओसी का मिड पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ओबी का मिड पॉइंट पी लेता हूँ, और इस वाले को मैं क्यू लेता हूँ। इतना मैं एक बार करता हूँ, ठीक है एक से इसको मैंने पी लिया, इसको मैंने क्यू लिया। आइए अब मैं ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मैं ज्वाइन करूँ फील करना, भाई फील करना इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। पी एल, अब मेरे पास थोड़ी क्वेश्चन बड़ा है तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, पी एल इज पैरेलल टू ओ सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना पी भी मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी बाय कंस्ट्रक्शन, एंड एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी गिवन है, तो पी एल इज पैरेलल टू ओ सी, ठीक है। और साथ ही साथ पी एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ सी, तो साथ ही साथ आपको गिवन है पी एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ सी। सिमिलरली एकदम सेम टू सेम अगर मैं जो है क्या करूं इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है तो केपीबी के लिए भी सेम हो जाएगा, और इन अ सिमिलर वे अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, और इन अ सिमिलर वे अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं। देखिए जहां कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा होता है ना वहां पे नॉन डाउट प्रॉब्लम आती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप साथ साथ देखते हुए चलो बेटा। इन अ सिमिलर वे जो आपका केपी था दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू एओ हो जाएगा, और साथ साथ केपी सॉरी साथ साथ केपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओए हो जाएगा या एओ हो जाएगा जो भी है। सिमिलरली देखना ध्यान से बेटा, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्यू एम, तो क्यू एम इज पैरेलल टू ओडी हो जाएगा, और साथ साथ क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ओडी हो जाएगा। और इन अ सिमिलर वे क्यू एल, क्यू एल इज पैरेलल टू PL हुआ था भी तो हाँ QL, QL is parallel to क्या हो जाएगा OB हो जाएगा, और साथ ही साथ QL is equals to half of OB हो जाएगा। इतना मैं सबसे उम्मीद करता हूँ। देखो K midpoint, L midpoint, M midpoint, P midpoint by construction, Q midpoint by construction, तो चार बार हमने midpoint theorem का use किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप feel करो यार कि AO और OB equal था, सोचो जरा, मैं color change करता हूँ, अगर AO और OB equal था तो उनका half भी equal होगा, और दोनों का हाफ क्या है, दोनों का हाफ है KP और QL। इसका मतलब हुआ सबसे पहले कि यार KP is equals to QL in the similar way PL is equals to QM, है ना, तो जो दो लाइन इक्वल थी उनका हाफ भी इक्वल होगा। तो ये जो है कलर चेंज करते हैं, चलो ये जो KP है ये अलग कलर से मार्क किया, दैट इज इक्वल्स टू KP is equals to QL और PL is equals to QM। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने किया होगा। एक बात बताओ यार, जैसे ही हमने ये किया हमारे माइंड में शक क्या आता है कि सर अगर दो ट्राइंगल, छोटे छोटे से दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, और अगर उन दोनों ट्राइंगल की दो दो साइड इक्वल है तो क्या हम उसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सही है आपका मानना, हम प्रूफ करेंगे ट्राइंगल के पी एल इज कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल के पी एल, के पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल क्यू एम। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये यहाँ पे देखेंगे। देखो दो साइड तो आपको इक्वल दिख गई,
KP is equals to QL और PL is equals to QM. मैं उनके बीच का एंगल इक्वल करूंगा. कैसे करूंगा ये देखना, समझो जरा ये एंगल क्या होगा मुझे बताओ. देखो KP is parallel to AO है, देखो जरा मैंने कहीं ना कहीं लिख रखा होगा ये रहा, देखो ये रहा कि KP is parallel to क्या है, AO है. अगर KP और AO parallel है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा 120 हो जाएगा, छोटा छोटा लिखा है. इन अ सिमिलर वे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बिकॉज QM is QM is parallel to OD है. तो by what, by parallel line की property होती है ना, by corresponding angle, ये दोनों कितने हो जाएंगे 120 120 हो जाएंगे. उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ रहा होगा. ठीक है, अब एक काम करो, सारी की सारी समस्या में एक लाइन में खत्म कर देता हूँ है ना. इसको मैं लिखवा ही देता हूँ रफ में यहाँ पे, कि आपका क्या ख्याल है ओ क्यू एल पी के बारे में. ओ क्यू एल पी इज अ पैरेललोग्राम, ये सारी समस्या एक बार में खत्म कर देगा. क्यों है वही पैरेललोग्राम, इधर देखो QL is parallel to OB, ये रहा कहीं पे QL is parallel to OB, दिख गया. अगर QL OB के parallel है तो QL OP के भी parallel है ना. और साथ ही साथ QL is half of OB, तो OB का half क्या है, OP तो है ना. तो QL is parallel to OP as well as equal to OP, ये मैं समझता हूँ आपको थोड़ा tough है ना. मैं लिखूँ क्या यहाँ पे कि QL is parallel to OB, साथ साथ QL is equals to half of OB, half of OB क्या हो जाएगा OP हो जाएगा, ये देखो ये equal भी हो गया OP के. और अगर QL OB के पैरेलल है तो ये OP के भी पैरेलल होगा. इसका और इसका आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है. जैसे ही ये पैरेललोग्राम बना आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई. कैसे सॉल्व हो गई आइए समझते हैं. मान लो इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, तो फिर ये भी थीटा होगा है ना, अपोजिट एंगल थीटा हो गया. ठीक है, और अगर ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा, और ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा. या फील कीजिए देखिए ये वाला जो थीटा है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला जो थीटा है जो मैंने राइट लगाया, ये थीटा क्यों है, क्योंकि आपका क्या नाम है इसका, पी एल इज पैरेलल टू क्यू सी है. सही बात है, पी एल इज पैरेलल टू क्यू सी है. और अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये वाला थीटा, तो क्यू एल इज पैरेलल टू ओ बी है. तो यहाँ से तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई बेटा कि आपके जो बोथ एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल के ओ नॉट ओ सॉरी के पी एल दैट इज इक्वल टू एंगल L, Q, M और दोनों का वैल्यू कितने डिग्री है, 120 प्लस थीटा है. तो यानी कि बाय साइड एंगल साइड दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए थर्ड साइड आपकी इक्वल आ गई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के रिजल्ट में, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल KLM इज इक्विलेटरल. अगर ये इक्विलेटरल प्रूफ करना है, देखो दो साइड तो इक्वल आ गई मेरी. अब अपन एक काम करते हैं, ये जो एंगल है इसको कुछ नाम देते हैं. मैंने इसको नाम दिया अल्फा, और इस वाले को क्या नाम दिया, ऑफकोर्स बीटा, अल्फा बीटा. अगर मेरा एंगल के अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा. क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी इन दोनों को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और ये भी बीटा होगा. आपको पता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अब आप एक यहाँ पे बात देखो, इन ट्रायंगल कौन सा लूं मैं, केपीएल में आ जाओ बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अल्फा प्लस 120 प्लस थीटा प्लस बीटा, सबका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा. अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. अब आप फील करो कि आपका एंगल के एल एम एक्चुअली क्या है, के एल एम क्या है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल अल्फा थीटा बीटा ही तो, यानी कि 60 डिग्री है. ये भी आपकी बड़ी काम की चीज आ गई. अब जो दोनों इंपॉर्टेंट चीज आई ना, उन्हें कंबाइन करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है. कैसे हो चुका है, आपको पता होगा कि अगर एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल की दो साइड आपको इक्वल है और ये एंगल 60 है, तो फिर ये इक्विलेटरल नहीं होगा क्या. क्यों, क्योंकि अगर ये 60 है तो रिमेनिंग एंगल 120 बचा, और दोनों साइड इक्वल है तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे 60-60. तो बाय दैट प्रॉपर्टी आपका ट्रायंगल KLM इज इक्विलेटरल. तो आप देख सकते हैं कि एक टफ कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था. और दूसरी बात क्या है, ये जो नया ट्रायंगल छोटा छोटा सा बन रहा है तो उतना जल्दी बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये PRM 5 मार्क्स में आया तो मैं इसको टफ से टफ कैटेगरी में रखूंगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप उन सब वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा. बेटा क्वेश्चन लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दिस इज दी ओनली पॉसिबल थिंग. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं. मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या फिर अगर वीडियो देखा है तो कमेंट कर सकते हैं, जिस भी सोर्स से आप कर सकें. बट कमेंट करिए, फोन करिए, मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने डाउट्स क्लियर करिए. बट लगातार पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं आगे और वीडियो लाऊंगा. थैंक यू.